नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धर्मशाला में बोले कप्तान कोहली, धोनी टीम इंडिया का अहम हिस्सा, अभी खेलते रहें। धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका से कल भिड़ेगी टीम इंडिया, टी20 में जीत को कोहली एंड कंपनी लगाएगी दम। पुलिस भर्ती में नहीं होगा इंटरव्यू, अब एसपी ऑफिस में होगा 15 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट। पत्र बम से बैकफुट पर आई भाजपा पर कांग्रेस का हमला, अध्यक्ष बोले जग जाहिर हो गए फूट। हमीरपुर में आपत्तिजनक फोटो की आड़ में नाबालिग से रेप करता रहा अधेड़, परिजनों की शिकायत पर गिरफ्तार। महाकाल के दर भक्तों का महामेला, सुबह 3 बजे से ही बाबा के दर्शनों को जुटे रहे भक्त। अब समाचार विस्तार से। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के बेशकीमती खिलाड़ी हैं, उनकी फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं है और अभी उन्हें देश के लिए खेलना चाहिए, उनमें अभी बहुत क्रिकेट बचा है। ये बात शनिवार को धर्मशाला में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कही। कप्तान कोहली ने फिटनेस को लेकर अपनी और महेंद्र सिंह धोनी की सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीर पर भी पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जिस तस्वीर की वजह से धोनी के संन्यास की अटकलें तेज हो गई, वह तो बस ऐसे ही पोस्ट कर दी थी। भारतीय टीम के कैप्टन ने कहा कि मैंने घर बैठे एक तस्वीर डाली और वह न्यूज़ बन गई। ये मेरे लिए एक सीख है कि जो मैं सोचता हूँ लोग उससे अलग सोचते हैं। लोगों ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जो सच नहीं है। कप्तान कोहली ने कहा कि बिना वजह बात का भतंगड़ बन गया। जहन में कुछ नहीं था यार, मैं घर पे बैठे मैंने नॉर्मली फोटो डाली और ये न्यूज़ बन गई, तो आई थिंक मेरे लिए लेसन है कि जैसा मैं सोचता हूँ अपने बारे में वैसा दुनिया नहीं सोचती। मेरे मन में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सोचूं पिक डालने से पहले। जैसे मैंने लिखा कि वो बहुत स्पेशल, आज तक मुझे वो गेम याद आता है, यू नो एवरी नाउ एंड देन, मैंने कभी उसके बारे में बात नहीं करी। मेरा मन था कि मैं सिर्फ एक पोस्ट डालूं, लोगों ने उसको दूसरी जगह पहुंचा दिया जो कि बिल्कुल सच नहीं है। दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में शुमार एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट की महाजंग होगी। कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया यहां जीत के इरादे से उतरेगी। इससे पहले यहां खेले गए एकमात्र टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय धुरंधरों को धूल चटा चुकी है। शनिवार को दोनों टीमों ने नेट पर जमकर अभ्यास किया। बता दें कि धर्मशाला मैदान पर भारतीय टीम को 2 वनडे और 1 टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। रविवार को होने वाले इस टी20 महामुकाबले को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह है। प्रदेश की दूसरी राजधानी और इसके आसपास के सभी होटल पैक हो गए हैं। पर्यटक नगरी मैक्लोडगंज, नड्डी और धर्मकोट सहित अपर धर्मशाला के सभी होटलों में ऑक्यूपेंसी फुल हो गई है। क्रिकेट जगत की दो दिग्गज टीमों के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले का लोग अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। शुक्रवार को घोषित रिजल्ट में जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा की मेरिट में आए हैं, उन्हें सीधा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पर्सनैलिटी टेस्ट संबंधित जिलों के एसपी ऑफिस द्वारा लिया जाएगा। इसके 15 नंबर होंगे जिसमें मैट्रिक, शैक्षणिक योग्यता सहित सभी प्रमाण पत्रों के अलग अलग अंक दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश भर में 1063 पदों के लिए 12,705 अभ्यर्थी पर्सनैलिटी टेस्ट देंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जल्द ही डेट तय कर दी जाएगी। पत्र बम के धमाके से बैकफुट पर आई हिमाचल भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। राजधानी शिमला में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी लड़ाई अब जग जाहिर हो गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री से पुलिस पूछताछ कई संदेह पैदा करती है। सरकार को पत्र बम में लगे आरोपों की निष्पक्ष जाँच करवाकर सच जनता के सामने लाना चाहिए। कांग्रेस कप्तान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के शिमला दौरे के दौरान सीएम और उनके समर्थकों की उनसे दूरी साफ बताती है कि भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं है। ऊना के बंगाड़ा में सांप के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पहला मामला उपमंडल के डोगी का है। यहाँ घर में बिस्तर पर सोए 3.5 साल के बच्चे को जहरीले फनियर ने डस लिया। परिजनों को जब तक सांप के काटे जाने का पता चला, तब तक बच्चा मौत के मुंह में जा चुका था। दूसरा मामला अम्बेहड़ा के गांव धुरू गांव का है। यहां भी सांप के डसने से बिस्तर पर ही सोए सोए 13 साल की बच्ची लाश बन गई। पुलिस ने दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।
हमीरपुर में एक अधेड़ उम्र के शख्स ने फोटो वायरल करने की आड़ में नाबालिग की इज्जत तार तार कर दी। पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 55 साल के अधेड़ के पास 16 साल की नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो थे और आरोपी ने नाबालिग की अस्मत तार तार कर उसके ये फोटो वायरल कर दिए। लड़की के घर वालों को जब इस मामले की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने बताया कि महिला थाने की टीम ने दुष्कर्म के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। भाद्रपद महीने के अंतिम शनिवार को बैजनाथ के साथ लगते महाकाल में भक्तों का महामेला उमड़ आया। सुबह 3 बजे से महाकाल के दीदार को उमड़ी भीड़ शाम को सैलाब में बदल गई। हाल यह रहा कि मंदिर के चारों ओर भक्तों की कतारें ही कतारें लगी रहीं। इसी बीच भोले बाबा की जयकारे लगाते हुए भक्त बड़े आराम से दर्शनों के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। बड़ी बात यह रही कि अंतिम शनिवार को प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर शनि महाराज को तेल तिल माह और काले कपड़े दान कर कष्टों से मुक्ति मांगी। इसी बीच मंदिर प्रशासन ने बाबा के भक्तों के लिए भंडारा लगाया। एसडीएम बैजनाथ पुलिस की टीम के साथ चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखे रही। हिमाचल की रातें अब ठंडी होने लगी हैं। दिन के समय तापमान उछलने से हालांकि अभी गर्मी जैसे हालात हैं, पर आसमान में छाए बादलों से चली हवाओं के कारण पहाड़ की रातों में ठंडक आ गई है। शनिवार को बादल छाए रहने से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। शिमला, भूंतर, कल्पा, धर्मशाला, नाहन, बिलासपुर और केलांग में लुढ़के पारे के कारण लोगों को ठंड का एहसास हुआ। इसी बीच मंडी में 4 और पालमपुर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 20 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 20 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान एक दो स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इंजीनियर्स डे के अवसर पर रविवार को राजधानी शिमला में प्रदेश का अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस दौरान पीटर हॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीडिया ग्रुप की कॉफी टेबल बुक का विधिवत रूप से विमोचन करेंगे। समारोह में प्रदेश भर के अभियंता प्राकृतिक हादसों से होने वाले नुकसान का समाधान तलाशेंगे। कार्यक्रम का आगाज दोपहर 2:30 बजे से होगा। समारोह में 2 सत्रों में अभियंताओं के सामने पेश आने वाली चुनौतियों पर महामंथन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के 4 मंत्री अभियंताओं के सुझावों और दिक्कतों से रूबरू होंगे। शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शिरकत करेंगे। धीर गंभीर माहौल को हल्का करने के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें कॉमेडी कलाकार मनोरंजन करेंगे। वहीं गजल गायक छोटे गुलाम अली भी आयोजन को 4 चांद लगाएंगे। और अब चलते चलते भाजपा के बाद अब हमीरपुर में फूटा कांग्रेस का पत्र बम। प्रदेश अध्यक्ष से पार्टी की पतली हालत का जिक्र। धर्मशाला की झियोल पंचायत के सैनिक इंद्रजीत का अरुणाचल प्रदेश में हार्ट अटैक से निधन, गांव में मातम। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेजों के होनहार नवाजे। शिमला में शिक्षा मंत्री ने थपथपाई पीठ। और हिमाचल प्रदेश को बरसात से अब तक 1211 करोड़ का नुकसान। तेज सड़कों पर अभी भी थमी हुई है रफ्तार। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं ओमचंद ओमी की आवाज में ये गद्याली नाटी। सच बोला बोले मेरे बाबो तीजो कटेरा चाओ वालो। सच सच बोला बोले मेरे बाबो तीजो कटेरा चाओ वालो। सच सच बोला
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।